गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने जो है इज मैटर आवर अराउंड अस प्योर में जो है हमने आपको प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, एंड मिक्सर, टाइप ऑफ मिक्सर, कुछ टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किए थे, स्टडी कराए थे। आज हम इसी चैप्टर का कुछ अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक्स है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? तो देखिए, यहाँ पर डिफिनेशन बता दिया गया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच कैनोट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ अ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आती है, ये सब डिफिनेशनल वर्ड है, ये एग्जाम में जो है वन वर्ड एंड वन मार्क्स एंड टू मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट परसेंट, यानी सॉल्युबिलिटी वह जो है सब्सटेंस है जो सॉल्यूट को, ठीक है, कि कितना मात्रा जो है सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुली हुई है, उसी को कहा गया सॉल्युबिलिटी। तो इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम तैयार कर सकते हैं? इसके लिए देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है टेक 50 ml ऑफ वाटर इन टू बीकर्स, ठीक है। एड साल्ट इन वन बीकर विथ कंटिन्यूअस स्टिंग टिल नो मोर साल्ट डिसॉल्व इन इट। सिमिलरली एड शुगर इन द अदर बीकर विथ कंटिन्यूअस स्टिंग टिल नो मोर शुगर डिसॉल्व इन इट। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, साल्ट एंड शुगर। इफ़ द मिक्सचर आर हीटेड इट डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरियस विथ टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ से जो हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे, देखेंगे कि इसका जो है फार्मूला भी होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट परसेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो घुलेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जिसमें वो घुल रहा है, दोनों करेंगे तो सॉल्यूशन फाइंड होगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये देखिए, ठीक है। और करके द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड फार्मूला आते हैं कि मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये देखिए, ये फार्मूला यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी अगर कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो उसको सेपरेटिंग कैसे किया जाए, अलग अलग कैसे किया जाए उसे। तो इसके लिए कुछ मेथड है, कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू सेपरेटिंग हो सकती है,
तो यहाँ पर दिया हुआ था कंपोनेंट्स ऑफ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग सीविंग फिल्ट्रेशन एटसेट्रा। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जैसे कि हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना, स्विंग एंड फिल्ट्रेशन, ये सब पॉइंट जो बताया गया है कि इसके थ्रू जो है सेपरेटिंग किया जा सकता है। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर लाइक। देखिए तो ये जितने भी मेथड है ये आपका हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं मेथड को, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ जो मेथड यहाँ पर दिया गया है जो स्पेशल टेक्निक के थ्रू जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो पहला आता है क्या इवेपोरेशन, सेकंड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड थर्ड आती है डिकेंटेशन यानी यूजिंग सेपरेटिंग फनेल सिस्टम एंड फोर आती है सब्लिमेशन, फिफ्थ आती है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सिक्स्थ क्रोमैटोग्राफी एंड सेवन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कुछ सेवन पॉइंट दिए हुए हैं। इस जो सेवन यहाँ पर फिल्ट्रेशन या सॉरी सेपरेटिंग करने का जो मेथड दिया है यहाँ उसका सबका हम डिस्कशन अभी करने वाले टॉपिक्स में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो पहला आता इवेपोरेशन जिसको बाष्पन कहा जाता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटिल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम ए नॉन वोलेटिल कंपोनेंट सॉलिड बाई हीटिंग द मिक्सचर। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इंक इज मिक्सचर ऑफ द डाई एंड वाटर। ठीक है, इफ सम इंक इज हीटेड इन द डिश द वाटर इवेपोरेट्स एंड द डाई इज लेफ्ट इन द डिश। सिमिलरली वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर बाई इवेपोरेशन। यहाँ पर देखिए इंक के बारे में बताया गया है कि इंक भी जो है इवेपोरेशन के थ्रू जो है सेपरेटिंग किया जा सकता है। उसके साथ साथ बताया ये भी गया है, ठीक है, कि मिक्सर एंड साल्ट एंड वाटर एंड शुगर एंड वाटर का इवेपोरेशन के थ्रू हम सेपरेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मिक्सर ऑफ सॉल्ट यहाँ फिगर में दिया हुआ है, मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है, ठीक है, डिश है, वायर है, वायर गेज है, स्टैंड है, बरन ये सब चीज़ दिया हुआ। अगर हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, साल्ट एंड वाटर को, तो साल्ट को वाटर जो मिश्रण है मिक्सर है उसको गर्म करेंगे जो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, वाटर तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से सब भाप बन के क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या बच जाएंगे, ओनली साल्ट बचे रह जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सर बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगिंग मेकिंग इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन बता दिया गया है कि इसमें वैसे इस मेथड में जो है डेंस पार्टिकल्स वाले चीज़ों को जो है यानी लाइटर पार्टिकल्स वाले जो है मिक्सर में से अलग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इफ वी टेक सम मिल्क इन द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन एंड स्पिन इन द रिपाइडली इन द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम द मिल्क बिकॉज क्रीम इज लेस डेंस देन मिल्क। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेथड का नाम दे दिया गया है सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो है मिल्क से क्रीम अलग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में है डिकेंटेशन यानी यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इसमें जो है ऐसे मिक्सचर को अलग किया जाता है जो मिसिबल नहीं हो गए। ठीक है, जैसे तेल और पानी। ठीक है, लिक्विड सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसर। यहाँ पर देखिए लेयर बन जाते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें जो है
ठीक है, यहाँ पर इसको दिया हुआ किरोसिन तेल है, वाटर है, वाटर देखिए नीचे की ओर रहेगा और किरोसिन ऊपर की ओर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को बताया गया, दैट इज एग्जांपल ऑफ बी टेक द मिक्सचर ऑफ किरोसिन ऑयल एंड वाटर इन द सेपरेटिंग फनेल, इट फॉर्म सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर, द वाटर कैन बी सेपरेट बाय ओपनिंग द स्टोव कोक, आफ्टर द वाटर फ्लो आउट द स्टोव कोक कैन बी क्लोज। देखो उसमें क्या होगा, वाटर किरोसिन तेल का जो मिक्सर है उसको इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे और यहाँ पर एक कॉर्क लगी होती है, देखिए यहाँ पर बल्ब होती है, तो किरोसिन तेल क्या करता है पानी में फ्लोट करता है, तो ये किरोसिन तेल ऊपर रहेगा पानी नीचे चला जाएगा। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो देख पा रहा है यहाँ पर जो है बल्ब होती है, बल्ब को धीरे धीरे खोलेंगे तो पानी नीचे की ओर क्या करेगा, यहाँ से जो है डाउन हो जाएगा, यहाँ से पानी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, लेकिन जब ये लेयर जो है नीचे की ओर खिसकेगा, ठीक है, तो इसको बंद कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ सेपरेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट में है सबलिमेशन। सबलिमेशन को जो है चैप्टर वन में भी हमने स्टडी कराया था कि दिस मेथड यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द सबलिमेबल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ नॉन सबलिमेबल कंपोनेंट्स ऑफ द हीटिंग द मिक्सचर। इसमें ऐसे मिक्सचर को सेपरेट किया जाएगा जिसमें एक जो है सबलिमेबल होगा और दूसरा जो है नॉन सबलिमेबल होगा, ठीक है, तो ऐसे को हम गर्म करेंगे हीट इन द मिक्सचर। दैट एग्जाम्पल ऑफ इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है इसको गर्म किया जा रहा है, तो कॉमन साल्ट हीटेड द अमोनियम, उसके बाद कॉमन साल्ट हो सकता है और अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, तो ये मेथड के थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं। क्लोज इन दिस सोलिडिफाइड एंड कलेक्ट एंड साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा कि ये सब मिश्रण जो यहाँ बताया गया है, अमोनियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट रहेगा, इसको इस पात्र में लेंगे, उसको इकीप के मदद से जो इसको हम ढक देंगे और गर्म करेंगे, तो सबलिमेशन में बताया गया है कि विदाउट जो है लिक्विड फॉर्म में आए हुए ही वह कन्वर्ट हो जाता है ओनली गैस में, और गैस को ठंडा करने पर, कोल्ड करने पर सीधे वह सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके थ्रू जो है सेपरेटिंग किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड जो है यह है क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, ये क्रोमैटोग्राफी क्या है, तो दिस मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग कलरेड कंपोनेंट्स फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर ऑफ ब्लोटिंग पेपर, दैट इज एग्जांपल ऑफ पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ द स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर एंड डिप द एंड ऑफ द पेपर इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, इंक इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्यूट इन वाटर राइज फास्ट एंड गेट सेपरेटेड, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्टिलेशन। तो दिस मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स बाय बॉइलिंग एंड मिक्सचर एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर्स। सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ If a mixture of acetone and water is heated in the distillation apparatus, in the acetone which has the lower boiling point than water first boil and cools and condense and the separating from the water. चलते next slide की ओर। उसके बाद आता है फ्रैक्टेशनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स हुज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। द अपैरेटस यूज फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सिमिलर टू दैट यूज फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट ए फ्रैक्शनेटिंग कॉमन
कॉलम इज फिल्टर्ड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर. द फ्रैक्टनेस्टिंग कॉलम हैज ग्लास बिट्स विद द इंक्रीज द सरफेस ऑफ द वेपर्स इज कूल एंड कंडेंस. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर एटसेट्रा. तो ये मेथड जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके थ्रू जो है आपको पेट्रोलियम का सेपरेटिंग हो गया, गैस का सेपरेटिंग, ये मेथड के थ्रू होती है. ओके, चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर. नेक्स्ट स्लाइड में सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर. तो एयर इज मिक्सर ऑफ गैसेस. द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कोल्डेड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर. द लिक्विड्स एयर इज देन अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. द डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये एयर है. एयर कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. तो कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड. लिक्विड अलाउड टू वार्म अप द स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. गैसेस गेट सेपरेटेड इन डिफरेंट. तो इस तरह से यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन का कितना ये पॉइंट है, यहाँ पर सबका दिया हुआ है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. नेक्स्ट स्लाइड में है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेंड अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन. दैट इज एग्जांपल ऑफ बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. डिजोल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. फिल्टर द सॉल्यूशन ऑफ रिमूव द अमाउंट ऑफ वाटर, रिमूव द इम्प्योरिटीज. इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन चाइनाडेज ऑफ टू गेट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कवर द सॉल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर एंड अलाउ टू कूल. प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर फॉर्मेट. इस तरह से जो है प्योर क्रिस्टलाइजेशन में बनाया जाता है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. नेक्स्ट स्लाइड में है टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, तो यहाँ जो है तो टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. तो हमने पहले ही बताया था कि प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड. ठीक है, चैप्टर का स्टार्ट में हमने बताया था. तो ये एलिमेंट्स है क्या, तो एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैनोट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल सब्सटेंस बाई केमिकल रिएक्शन. एलिमेंट्स आर 3 टाइप्स, दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, यहाँ पर साफ बात बता दिया गया है कि एलिमेंट जो होता है यह जो है एक प्योर सब्सटेंस है, चाहे इसको हम कितना भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें. ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इसको कितने भी छोटे छोटे टुकड़े में कर दें, ये एलिमेंट के अलावा दूसरा कोई चीज़ बनने वाला नहीं है. जैसे और ये एलिमेंट जो है 3 प्रकार के हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट. पहला आता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल्स एंड थर्ड आती है मेटलॉइड्स. उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल के क्या प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो बताया गया है दे हैवी लस्टर. मेटल्स में एक लस्टर होता है. दे आर मेलेबल, ये मेलेबल भी होता है एंड डैक्टिल होता है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये अच्छे जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी क्या ट्रांसफर कर सकता है. दे आर सोनोरस, इसमें एक प्रकार का सोनोरस होता है. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ आयरन. ठीक है, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मर्करी हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एटसेट्रा. ये सभी क्या है, आपका मेटल्स में आता है. ठीक है, अब नॉन मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज है, तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ओके,
तो दे डू नॉट हैव लेशर, ये लेशर नहीं होते हैं। दे आर नॉट मेलेबल, ये मेलेबल भी नहीं और नहीं डैक्टिल होता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों का क्या है, पुअर कंडक्टर है। दे आर नन नॉट सोनरस, इसमें कोई इस तरह का सोनरस नहीं होता है। दैट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो ये प्रॉपर्टीज किसके हैं, नन मेटल्स के हैं। ओके, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल। यानी मेटलॉइड्स में जो है कुछ गुण जो है मेटल्स को होते हैं, तो कुछ गुण जो है नन मेटल्स को होते हैं, उसे ही कहा गया है मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया एटसेट्रा। ओके, चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में जो है कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या है, हमने पहले बताया था, ए कंपाउंड इज द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन द मिक्सचर रेशियो। यानी कहा गया कंपाउंड वह चीज होती है जिसमें आपका दो या दो से अधिक जो है एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड करके जो है जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन एक निश्चित रेशियो में होता है, फिक्स रेशियो में होता है, उसे कंपाउंड कहते हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ, देखिए, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है कंपाउंड्स का। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड्स, यहाँ पर दोनों में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिक्सर है और यहाँ क्या है कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सर में क्या फर्क होता है, ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, मिक्सर में इट इज द कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्सर टुगेदर। कंपाउंड में है, इट इज द कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। सेकेंड पॉइंट है, द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज द एनी रेशियो, ये कोई भी निश्चित रेशियो नहीं इसमें होता है, लेकिन कंपाउंड्स में जो है फिक्स रेशियो में होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि इट्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स और कंपोनेंट, इट्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द कंपोनेंट्स। ऑप्शन नंबर फोर, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, मिक्सर को जो फिजिकल मेथड के अकॉर्डिंग जो है सेपरेटिंग कर सकते हैं, बट कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली केमिकल मेथड, कंपाउंड्स को जो है ओनली केमिकल मेथड के थ्रू ही सेपरेटिंग किया जा सकता है। ओके, चलते हैं, देखते हैं आगे। तो आज के जो है क्लास में बस इतना ही, आज का ये चैप्टर खत्म होती है। ठीक है, थैंक यू।